हम सबको रात के समय आसमान केवल काला ही दिखाई देता है, लेकिन इस धरती के कुछ हिस्सों में रात को आसमान का नजारा बहुत रंगीन दिखाई देता है। यहाँ पर आकाश में हरा, पीला, नारंगी आदि कई रंग नजर आते हैं। यह अद्भुत घटना नो लाइट्स के नाम से जानी जाती है। वर्ष में दो बार यूरोप और अलास्का में आधी रात को आसमान में रंग बिरंगी रोशनियाँ दिखाई देती हैं। ये रोशनियाँ पृथ्वी के नॉर्थ तथा साउथ मैग्नेटिक पोल पर भी दिखाई देती हैं, जिन्हें नॉर्दर्न लाइट कहा जाता है। इनका आकार 20 से 640 किलोमीटर तक होता है। नॉर्दर्न लाइट्स यानी कि उत्तर ध्रुवीय प्रकाश, जिसको ऑरोरा बोरियालिस भी कहते हैं। ये लाइट्स पृथ्वी और सूर्य के वातावरण के विभिन्न कणों की टक्कर से उत्पन्न होती है और दोनों ही पोल्स यानी उत्तरी और दक्षिण ध्रुवों में दिखती है। दक्षिण में दिखने वाली लाइट्स को हम ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। ज्यादातर ये लाइट्स सर्दी के मौसम में आसमान में नाचती हुई नजर आती हैं। लेकिन अगर आसमान में बादल हो जाए, चांद की रोशनी छा जाए या फिर शहर में जगमगाहट हो तो इन लाइट्स को देखना बहुत मुश्किल होता है। अलास्का, नॉर्वे, आइसलैंड, स्वीडन, साइबेरिया, कनाडा और ग्रीनलैंड में भी ये रोशनियाँ दिखाई देती हैं। इनके आकार, रंग और ऊंचाई के अनुसार इन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। कनाडा के काकवा अल्बर्ट में 15 सितंबर 2017 की आधी रात को नॉर्दर्न लाइट का एक नया पैटर्न खोजा गया था, जिसे स्टीव नाम दिया गया था। नॉर्थ पोल के पास बसे और भी कई देशों में यह लाइट्स दिखाई देती हैं। असल में नॉर्थ पोल के पास हवा में गैस के कण घूमते रहते हैं। यहाँ पर 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है। जब इन गैस के कणों पर आधी रात को सूर्य की रोशनी पड़ती है तो आसमान में रंग बिरंगी रोशनियां चमकने लगती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।